everyone. Welcome to Mimi's family. Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. ਸਤਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਹਲ ਪੌਣੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ। ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਾਰਟਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਸਟੂਪਿਡ ਟਾਇਰ ਡੋਮ। ਸੋ ਕਿਚਨ ਕਾ ਦੌਰ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਮ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਪਰਾਂਠੇ। ਵੈਸੇ ਤੋ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਾ ਕੁਛ ਖਾ ਲੇਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਲੂ ਪਰਾਂਠੇ ਖਾਣੇ ਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਮੱਖਣ ਹੈ ਘਰ ਮੇ। ਤੋ ਹਮ ਬਣਾਏਂਗੇ ਆਲੂ ਕੇ ਪਰਾਂਠੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਾਂਠੇ ਵਧੀਆ। So this is my son after fresh Nai Nai. How are you feeling? Good. Good? Mm-hmm. And why you make that hugest mess down there? So guys, husband ne isko toy bana diya hai aur wo toy kaam bhi kar raha hai finally. And there it is. And abhi usne wo pata nahi kaun sa station banaya hai, sari cheeze rakh ke mess create kar diya hai. Guys, I'm pretending this is the charger, that's why I put it in. And guys, look at this amazing thing. Okay guys, just see this green button. What do you do? We put the batteries in and it does something. दो बंदों के स्नैक्स रेडी है, एक बंदा खाएगा पॉपकॉर्न, लेट्स सी दिस, हियर यू गो, एंड दूसरा बंदा खाएगा अनार। ऑल राइट, सो कल मैंने लिया है ये हिम्मत के लिए मास्क, क्योंकि जो उसके आधा मास्क है वो हमेशा घुमा देता है। मुझे लगा कि इसको मैं वॉश कर सकती हूँ, एंड ये उसका फेवरेट शो भी है टीन टाइटन्स। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। मुझे एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई मैंने गुड मॉर्निंग बोला है, पर गुड मॉर्निंग है नहीं। शाम हो चुकी है और आज सारा दिन बहुत ही ज़्यादा लेजी था। हमने कुछ भी खास नहीं किया है, सिर्फ हमने खाए हैं आलू के परांठे। लंच में कुछ नहीं खाया, आलू के परांठे भी हमने जल्दी खा लिए थे। और आप देख सकते हैं कि मेरे आलू का पराठा इतना बड़ा है कि मेरा तवा छोटा पड़ जाता है। अगर मेरा तवा थोड़ा बड़ा हो तो मेरे आलू का परांठा और भी बड़ा हो सकता है। सो यार, इतने बड़े परांठे खाने के बाद किसी को सांस नहीं आती है। हस्बैंड खाने पीने के बाद अपस्टेयर चले गए थे आराम करने के लिए। उसके बाद बारी आई थी हमारे स्नैक्स की। हिम्मत ने क्या खाया है? मैंने पॉपकॉर्न खाए, मैंने अनार खाया, हस्बैंड को भी देने के लिए गई थी पर वो सो चुके थे, तो मैं उनके बेड साइड टेबल पर रखाई थी कि वो खुद ही खा लेंगे। आज मैंने मेरे वालों को वॉश किया है और अब वो नाइस एंड स्मूथ है। और चाय पी ली थी मैंने जब हस्बैंड सो रहे थे, और अब मैं चाय नहीं बनाने वाली हूँ उनके लिए, सो उन्होंने मिस कर दी है। एंड क्या करेंगे आज? कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आज सारा दिन बारिश हो रही थी। लुक एट माई नाइस कोजी कपड़े दोस्तों। तो आज मेरा कपड़े चेंज करने के लिए भी मन नहीं था, तो हमने सारा दिन आराम से रहे। और यस, कल मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई थी रात को, एंड हस्बैंड एंड हिम्मत ने बहुत जल्दी उठा दिया आज, आई डोंट नो व्हाई। हिम्मत के बारे में एक स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। हिम्मत को मैंने उसके रूम में सुलाने की कोशिश की कल। बीच में कोई डेज मैं कोशिश करती रहती हूँ कि अपने रूम में सोए, क्योंकि जब ये हमारे साथ सोता है तो मेरी नींद वैसे ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस तो ये ले लेता है और ये ऐसे सोता है, कभी मेरे मुँह पर थप्पड़ मारेगा, कभी टांग मारेगा, सो बहुत मुश्किल हो जाती है। सो एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी किस्म की स्टोरी है कि मैंने हिम्मत को उसके रूम में सुला, नॉट हिम्मत के रूम में। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन आई थिंक हिम्मत बहुत जल्दी उठा था। ऑलराइट, तो मैं किचन को क्लीन कर रही थी और हिम्मत यहीं सोफे पे सो गया,
एंड देन मैं उसको सोए हुए को उठा के ले गई और उसके रूम में सुला दिया मैंने. एंड मुझे लगा कि सो तो रहा है, अच्छा है कि अपने रूम में सो जाए और हम भी आराम से सो सकें. वैसे तो मुझे भी मुश्किल लगता है इसको अपने रूम से अलग रखना, बट अच्छा नहीं है हमारे लिए, हेल्दी नहीं है इतने बड़े बच्चे को यू नो पेरेंट्स के साथ सोना. सो हिम्मत सो गया अपने रूम में. पर जब ये अपने रूम में सोता है तो इसकी आदत है आधी रात को ये उठ के हमारे रूम में आ जाता है, लाइक 12 बजे आ जाएगा, 2 बजे आ जाएगा, लाइक अपने रूम में उठता नहीं है सुबह. हमेशा इसकी आदत है भाग के हमारे रूम में आ जाता है और मिडिल में एडजस्ट हो जाता है. सो उस दिन क्या हुआ, इसने ऐसे ही किया होगा, हमारे रूम में आ गया एंड एवरीथिंग. और सुबह जब हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए नीचे आए तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि हमारा जो मेन डोर है घर का वो खुला हुआ था, लाइक इतना खुला हुआ था, लाइक हवा आ रही थी कहीं से और उन्हें लगा कि हवा कहाँ से आ रही है, और देखा मेन डोर खुला हुआ था घर का. एंड हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए. हस्बैंड ने जल्दी आके मुझे भी उठाया कि मेन डोर तुम बंद क्यों नहीं करके आई, सारी रात ऐसे खुला हुआ था. लाइक मेन डोर खुला है मतलब पूरा रोड साथ ही में, सड़क है साथ ही में मेन डोर, कोई भी घर के अंदर आ सकता है. सो सारी रात हमारा मेन डोर खुला रहा उस रात. एंड मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा मेन डोर को चेक करके अपस्टेयर जाती हूँ सोने के लिए. मुझे समझ भी नहीं आया कैसे कैसे खुला होगा. हम डर भी गए, हमने सारे घर को भी चेक किया कि किसी ने तो नहीं खोला, कोई चीज़ें तो नहीं मिसिंग, पर ऐसा हमने कभी कुछ सुना नहीं है. यहाँ पे बहुत सेफ है ये और कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं था. सो मुझे लगा कि हिम्मत ने खोला होगा और मैंने इसको पूछा. ओके मैंने इसको पूछा, ये माना नहीं. ही सेड नो 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 नो. देन मैंने कहा कि तुम नींद में उठ के गए होगे. देन ये मान गया कि यस मैंने किया था. इसने पता क्या किया, ये रात को उठा 1-2 बजे, 12 बजे, आई डोंट नो कब, अपने रूम से वॉक करके नीचे आ गया. और इसे लगा कि, इसे नहीं लगा कि रात है, ये सोच रहा था कि मैं नीचे ही होंगी क्योंकि ये नीचे सोया था, तो इसे लगा कि अभी भी शाम है. सो डाउनस्टेयर आ गया नींद में ही एंड सीधा इसने देखा यहाँ पे लिविंग रूम में मॉम नहीं है. इसे लगा कि मैं बाहर बैठी होंगी, कई बार मैं बाहर बैठ जाती हूँ मेन डोर के बाहर, हमने चेयर्स रखी उस एरिया में. तो इसने मेन डोर खोल के बाहर चेक किया कि मॉमी है या नहीं. और इसने मुझे बताया कि जब मैं बाहर गया तो किसी की घर की लाइट ऑन नहीं थी, सबकी लाइट्स बंद थी और मैं डर गया एकदम से और फिर वो दरवाजे को ओपन छोड़ गई. सो ये दरवाजे को ओपन छोड़ के भाग के ऊपर गया और हम दोनों के मिडिल में एडजस्ट हो के आराम से सो गया. और इसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया पूरी रात. ये तो बहुत अच्छा है कि हम सेफ जगह पे रहते हैं, पर ओपन दरवाज़ा छोड़ के ये आराम से सो रहा, हम आराम से सो रहे, हमें पता भी नहीं कि दरवाज़ा हमारा चपट खुला है कि कोई भी आ जाए. तो उस दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए इसको इसके रूम में सुलाने के लिए. तो हमने क्या प्लान किया कि जो हमारी क्लोज़ेट है डाउनस्टेयर आते हुए, उसको हम डोर को ओपन करके वहाँ पे लाइक कोई चीज़ बांध देते हैं कि ये निकल नहीं पाए और इसे पता चल जाए कि नीचे नहीं जाना है. पहले तो हम डर गए कि इसने ये सोते हुए किया कि ये स्लीप वॉक करता है, पर देन हमें मुझे लगा कि क्योंकि ये नीचे सोया था तो इसे लगा कि अभी रात नहीं है, मम्मी नीचे होगी, नीचे आया, बाहर चला गया पूरा घूम घूम के 1-2 बजे रात, और डोर खोल के ऊपर जाके आराम से सो गया. सो उस दिन के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई. उस समय हम ऑलमोस्ट एवरी डे इसको इसके रूम में सुला रहे थे. उसके बाद कितनी देर सुलाया नहीं, देन कल मैंने इसको सुला दिया, पर आ गया 12 बजे. इससे ऐसा लगता है कि इसने अलार्म लगाया हुआ है, 12 बजे तो आ ही जाता. ऑलराइट हिमा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई यू डिड दैट थिंग दैट डे? बिकॉज़ आई वाज लुकिंग फॉर माय मम्मा. मम्मा एवरीवेयर. माय डैड फाइंड हर. माय डैड वन अपस्टेयर्स. दे हैव फाउंड माय मम्मा. द डोर मेन खुला छोड़ता जे कोई बैड गाय आ जांदा घर दे अंदर. नेवर लीव मेन डोर ओपन. ऑलवेज गो आउटसाइड देन क्लोज इट एंड लॉक इट. Guys, sometime मैं और हिम्मत ऐसे बैठ के टीवी देखते हैं, right मिमी? Guys, did you do that to them, your mommy too? So yeah, ये है story हिम्मत की sleepwalking की. No, I didn't sleepwalk. I just walk with
obviously walky nahi, but nighttime scary walk. Guys, this is the guy who's very lazy today because I don't know, for some reason. Guys, Himmat bahar dekh raha hai aur aap bahar dekhiye ki kitni zyada fog hogi hai. Alright, दोस्तों तो समय हो चुका है 6:30 and husband की फरमाइश आई है गाजर का हलवा. एक add on नहीं ना? Husband के दोस्तों की फरमाइश आई गाजर का हलवा, तो मैंने Hawkins निकाल दिया. वो याद है? Husband के दोस्त आए और फरमाइश आई गाजर का हलवा, तो और उनके दोस्त उंगलियां चाटते रह गए और उंगलियां भी खा गए. ओके दोस्तों, तो हस्बैंड ने पता नहीं कहीं से वीडियोस देख ली हैं चीज चिली के, तो वो कह रहे हैं कि मुझे चीज चिली खानी है. हस्बैंड बहुत गलत फरमाइशें करते हैं दोस्तों, काम तो कोई करते नहीं आप. तो हस्बैंड आ गए दोस्तों, हम उनके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल रहे थे. ओके, वी लव यू डैडी. तेरा नाम दस दी नहीं तू इतने वो लगने बहु हेरा फेरी वाला नहीं देखेगा जरा दिखता ही नहीं. हाँ जी सर, हाँ जी, पैसे बहुत ज्यादा. दोस्तों हमेशा इसकी बातों पे मत जाया करो, ये कर देती है कई बड़ी काला माला. झूठ बोल रही हूँ, कई बार नहीं भी करती हूँ, पर मुझे लगा कि कर सकते हैं क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं. तो हम बनाने वाले हैं चीज़ चिली और साथ में पति के स्पेशल नूडल्स, जिसमें पति कुछ भी नहीं करेंगे. मैंने कई दोस्तों के कमेंट पढ़े कि करते तुम ही हो, सारा कुछ क्रेडिट पति को दे देते हो, पर पति के मिक्स करने में कुछ ऐसा है कि फ्लेवर चेंज. मैं बस उंगली घुमाता हूं, मेरी उंगलियों का जादू चलता है. तेरा जादू पीनी है. ओके दोस्तों, तो हम बनाने वाले हैं नूडल्स. मैं तैयारी करने वाली हूँ, जल्दी से करते हैं. नूडल्स होंगे करेंगे, ये वेज हाका नूडल्स. मैं थोड़ी सी वाइन पा लेना हूं. तो पति कुकिंग करने में हेल्प करे तो आपका भी मन लगता है रसोई में. वैसे अर्लियर मेरा प्लान था कि मैं भिंडी बनाऊंगी, बट अब चेंज हो गया है. भिंडी हम कल बनाएंगे. ओके दोस्तों, तो तड़का लगाना शुरू करने वाले हम यहाँ पे बनाएंगे रेस्टोरेंट. मैं करी बनाने वाली हूँ, नॉट करी, पनीर चिली इंडिया जैसी, जैसे इंडिया में लंबे लंबे पनीर के टुकड़े मिला करते थे. आई डोंट नो अब मिलते हैं या नहीं, पर यहाँ पे काला काला क्या मिल रहा था. सो हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं आज चॉपिंग में भी थोड़ी सी, अपने लिए अनियन स्लाइस कर रहे हैं वो नूडल्स के लिए. देन ही गोना शो अस हिज मैजिक. हम ऐड करने वाले हैं अनियन. बहुत सही, आज मेरे ना मूवी देखोगे सोओगे तो नहीं? नहीं, मूवी ऑन करके तो नहीं सोओगे? अगर मूवी मेरी पसंद नहीं होगी तो यार ये फिर तो लबदे ही सो जाना. मूवी में वेदा दो भागा विच, दो नहीं चार पांच च, वो भी अगर तो वधिया लगे. मैं बंदा वेब सीरीज वाला. ओ प्यार, ये एक वेब सीरीज देख के बॉक्स सीरीज वाला बंदा बन गया. केड़ी देखी तुसीं? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਉਹ, ਪਤਾ ਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸ. ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੈਬ ਸੀਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਆ ਸੁਸ਼ਮਿਤਾ ਸੈਨ ਵਾਲੀ ਆ ਰਿਹਾ. ਅਬ ਮੈਨੇ ਅਨੀਅਨ ਥੋੜੇ ਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਸਮੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਚਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਮ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਹਮ ਕੋਸਕੋ ਸੇ ਚਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥੇ ਵਹੀ ਐਡ ਕਰੀ ਹੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਊ. ਇਸੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਕੁੱਕ ਐਂਡ ਸ਼ੈਫ.
हस्बैंड के लिए हमें सामान ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो हस्बैंड करेंगे नहीं, अभी घूम ही आएंगे इधर उधर। सबसे पहला तेल पानी यार, पानी मंगवा लिया। ये चटकारे बाहर नहीं, हम घर भी कर देते हैं। नहीं ये बार हम हाका चाइनीज हमें कोई अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छा लगता था वहाँ पे भी शेफ चेंज हो गया है, वो सेम फ्लेवर नहीं बनाते अब। तब से हम गए नहीं है, लास्ट टाइम लास्ट 2 साल 1.5 साल पहला गया यार। सो मैंने लगा हाका ही घर ही खाना है, और हमारे कुछ दोस्तों ने हमें बनाते हुए देख लिया है, वो बेचारे भी कह रहे हैं कि तुम्हारे हाथ ही खाना बने। आई थिंक दिस इज बोरिंग वॉचिंग अस कुकिंग। हम लोग आपको कुक करने के बाद ही मिलते हैं शायद अच्छा कुक्ड फूड लेके। क्या और राइट, तो हमारा सामान तैयार हो चुका है, अब हम करेंगे सर्व। अच्छा बना है यस, अब हम टेस्ट टेस्ट करेंगे और आपको बता देंगे कि कैसा बनना है। कुछ दोस्त कह रहे थे, कंप्लेंट कर रहे थे कि मैम मेरा फूड कैमरे में खाती नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा शाय हूँ मैं इसलिए, और मजाक कर रही हूँ। सो खाऊँगी और आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो इसी तरह हमारा आज का दिन कंप्लीट हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह हमारा आज का दिन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनानी बन गई है। ओके दोस्तों, तो इसी तरह हमारा आज का दिन कंप्लीट होता है। हमने खा लिया है हाका। हस्बैंड कैमरे में आते नहीं है, तो हम कैमरा ही हस्बैंड के पास लेके आते हैं कि वो किसी भी सिचुएशन में हो हम उनकी वीडियो बनाएंगे। क्यों नहीं होता कैमरे में, मैं मोटा हूँ। ओ यार कैमरे में काट दे, आ जाओ इसलिए जिस भी सिचुएशन में तुम बैठे हैं उठे कैमरा ला लो तो बोलना शुरू कर दो, पूछो ही ना कि वीडियो बनानी। नेचुरल वीडियो बननी चाहिए इथे। नहीं तुम पूछो ना कि तुम मैं जे कहना कि एक्टिंग नहीं, तुम मुझे मैं कहना कि बहु वीडियो बनवाओगे तो को बाचो कल परसों जो बनाऊंगा बाचो, तू डेट ले अगर मैं तो हुन मैं सोच लिया कि कैमरा रख दो बोलना शुरू कर दो, आप ही तो ही बार बार सेट कर देने होंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि फिर मैं पा तो प्लीज लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट करे की करें कि थाकी बेचारी आप कर लो ना कहता। या गाइस प्लीज सब्सक्राइब करो, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। इतनी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ मैं, इतना एफर्ट करती हूँ दोस्तों। मैं सोच रही थी कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप लोग अपनी फ़ोटो पे रिएक्ट करें, अगर आप देखना चाहेंगे मेरे पति के बचपन की फ़ोटोज़ और पुरानी फ़ोटोज़, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, तब हम उस पर वीडियो बनाएंगे रिएक्टिंग टू ओल्ड फोटो। मेरे में कुछ चेंज तो नहीं हुआ, मैं वैसा का वैसा ही पढ़ा हूँ। हाँ मैं पढ़ा हूँ बचपन की क्यूडी भाई हूँ देरे दा। अब भी क्यूडी भाई हूँ। मिनी वाली हूँ देरे क्यूडी भाई। अब भी क्यूडी भाई हूँ। हाँ हूँ क्यूटी निकल गया, पाई भी निकल गया, कला पाई रह गया। ਚੱਲ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਟੀਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਵੇਖਣੇ ਐਸ ਕਬਾਰ ਆਈ ਚਾਪੋ। ओके दोस्तों चंगा, बाय बाय, आई लव यू गाइस सो मच, कल मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, आप अपने पति को सीधा भी कर सकते हैं।
trip.